क्या आया कि मैंने सोचा कि सबसे जो भरा हुआ टाइम होता है ना जिम का, उस पर वीडियो बनाऊंगा। सुबह से वेट कर रहा था कि जिम जाना है, वीडियो बनाना है, जिम जाना है, वीडियो बनाना है। और फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो 8 बजे जाता हूँ, 8 बजे वीडियो बनाता हूँ। और इस टाइम पर इतनी भीड़ हो रही है ना जिम में भाई, कुछ भी खाली नहीं था। पहले तो मैं जिम में आया और मैंने 2 मिनट देखा कि क्या हाल है भाई यहाँ का, बहुत बुरा है। अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपने शोल्डर्स के लिए, जो है ये मशीन प्रेस। वैसे तो मेरे को डंबल से कर रही थी, पर डंबल से कैसे करता, बेंच बिल्कुल भी खाली नहीं थी, इसलिए वो मशीन पर आ गया। लाइट लग रहा है, मैं बहुत लाइट लग रहा है। तो और ना मशीन पर करने की एक दिक्कत और है कि मेरे को ना अपनी लेग ड्राइव नहीं मिल पाती। जैसे अगर मैं इंक्लाइन बेंच पर कर रहा हूँ ना प्रेस, तो मैं अपने पैरों से थोड़ी जान लगा के लास्ट के रैप एक दो निकाल पाता हूँ। अब मशीन में क्या है कि थोड़ी ना ऊंची है, तो उस वजह से मेरे को अपनी लेग की ड्राइव नहीं मिल पाती, कम रैप लग पाते हैं, बाकी तो ठीक है। सेकेंड सेट है मेरा, अभी ना 2-3 लड़के खड़े होके मेरे फ़ोन के मोबाइल में कहने वाले थे, मगर फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। ओह भाई ये वाला हैवी था, एक और आ जाएगा शायद, एक और आ जाता। अगर मेरे को लेग की ड्राइव मिल जाती ना तो आ जाता। जब भी मैं ऐसे, रुक जाओ यार सांस ही पकड़ लूँ पहले अपनी, जब भी मैं ऐसे भरे जिम में वीडियो बनाता हूँ ना, तो एक दिक्कत होती है भाई मेरे को, सबको ज्ञान देना है मेरे को कि भैया ये वाला एंगल ऐसे मत लो, ऐसे लो, और इसमें टेढ़े आ रहे हो उसमें। अब भाई पता है मेरे को, मैंने सेट कर रखा है बेवकूफ़, हर किसी को ज्ञान देना भाई मेरे को। ये एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है, सेकेंड पे चलता है। एक तो भाई इतनी भीड़ हो रही है ना, मैं डॉज करके लाया हूँ सबसे डंबल, और आराम से कहीं कोने में घुस के करूँगा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है लेटरल रेजेस। और फर्स्ट सेट है मेरा, एक वार्म अप मैं पहले कर चुका हूँ, 2 वार्म अप मैंने कर लिए थोड़े लाइट वेट से, थोड़े हाथ पैर हिला लिए लेटरल रेजेस करने से पहले, ताकि मेरे को मसल पर थोड़ा सा फील आना शुरू हो जाए। अब कर रहा हूँ मैं अपना फर्स्ट सेट जो है 22.5 किलो से, गंदी फॉर्म के साथ एज ऑलवेज। ओ भाई 5 और आ जाएंगे शायद, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए भाई जैसे तैसे। लेटरल रेजेस ना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ऊपर तभी काम करेगी जब आप उसके ज़्यादा रैप मार रहे हो। बाकी एक्सरसाइजेस की तरह 8 से 12 की रैप रेंज रखोगे तो काम नहीं करने वाली वो, ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारा करो, 15 से ऊपर ही रखना रैप, तभी वो अच्छे से काम करेगी। 2 सेट मैं इसके कर चुका हूँ लेटरल रेजेस के, 1 सेट और करते हैं फिर थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज की वीडियो में फिर कॉपीराइट है। कोई चक्कर नहीं यार, ड्रॉप सेट भी है मेरा ये, 13, 14, ओ भाई 15, 16 डंबल लेके आए ड्रॉप के लिए। और भाई जब भी आप लेटरल रेजिस करो ना, तो ड्रॉप सेट तो भाई करा ही करा करो, ड्रॉप सेट के बिना ख़त्म ही मत करा करो अपना शोल्डर वर्कआउट और खास करके लेटरल रेजिस। वैसे तो एक ड्रॉप और करता, पर थोड़ा रुक के यही वेट दोबारा कर लूँगा, वहाँ तक वापस नहीं जा रहा यार मैं, बहुत भीड़ है। अब भाई थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले पंप कवर उतार देता हूँ, क्योंकि पंप आ चुका है।
आज पंप अच्छा आना ही था क्योंकि होली थी और मैंने भाई गुजिया खाई नहीं है, मैंने निगली है, मैंने इनहेल करके ख़त्म करी है गुजिया, इतनी गुजिया खाई है ना भाई मैंने दो दिन, क्या बताऊँ काम ही ख़राब है। ऐसे पंप आ रहे हैं ना, कल भी वर्कआउट करा तो भाई ऐसे मैसिव पंप आया और आज भी भाई ऐसे फटने को हो रही है मसल। जो मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्लेप्ट ऑन एक्सरसाइज है। बंदे इसको नहीं करते, जो पुराने बंदे हैं ना वो तो करते ही हैं, जिनको 5-6 साल हो चुके हैं जिम करते हुए, जो नए नए बंदे हैं ना जिन्होंने 1-2 साल से शुरू करा जिम करना वो भाई इस एक्सरसाइज से इतना डरते हैं ना, पर भाई ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है अपना शोल्डर डेवलप करने के लिए। और कौन सी एक्सरसाइज है तो बता दूँ, पहले अपने हाइट्रोज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी है ना तो भाई ये ज़रूर ऐड करना अपने शेड्यूल में, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि एक तो ये थोड़ी सी ना लेटरल वाली जो मूवमेंट होती है ना वो मिमिक करती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी उठा सकते हो आप अगर आपके शोल्डर की मोबिलिटी ठीक है या अच्छी है तो। अगर मोबिलिटी ख़राब है तो भाई मत करना, क्यों फालतू में चोट खाए। जब मैंने नया नया जिम शुरू करा था ना तो मेरे को ये एक्सरसाइज ट्रैप्स की लगती थी, क्योंकि मेरे को ट्रेनर ने बताया था कि भाई ट्रैप्स की एक्सरसाइज है, ट्रैप्स की नहीं है, ये आपके क्या बोलते हैं डेड्स की एक्सरसाइज। अब ना बहुत लोगों की एक दिक्कत होती है कि भैया हम हमारे ना डेल्ट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारे शोल्डर ग्रो नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से पता है क्या करते हैं वो ना शोल्डर को ना हल्के में ले लेते हैं, चेस्ट को, बाइसेप को, ट्राइसेप को और बैक को इतने अच्छे से ट्रेन करेंगे, शोल्डर को उतनी अच्छे से ट्रेन नहीं करते उसको, एज अ चल ठीक है चल कर लेंगे इसे बाद में कर लेंगे, बाद में निपटा लेंगे, चेस्ट की बात कर लेंगे, ये मत करा करो। अगर आपको अपने चेस्ट कह रहा हूँ डेल्ट्स में अच्छी इंप्रूवमेंट देखनी है ना तो आप क्या करो फ्रेश ट्रेन करो, उससे अलग दिन निकालोगे ना शोल्डर का तो भाई डेल्ट्स 3D हो जाएंगे आपके। ऐसे जब भी मैं बोलता हूँ ना या कोई और बोलता है कि ये एक्सरसाइज अच्छी है वो एक्सरसाइज अच्छी है तो भाई वो मेरे लिए अच्छी है, किसी और के ऊपर क्या पता वो काम ना करे। काम ना करे से मेरा मतलब उसको फील ना आए, जैसे ये मैं कर रहा हूँ तो मेरे को फील आ रहा है पूरा पूरा अपने डेल्ट्स के ऊपर। अगर कोई और करेगा जिसको ये सूट नहीं कर रही एक्सरसाइज, जिसके लिए नहीं है ये, तो उसको फील नहीं आएगा, अपने जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा पेन होगा। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन का मेरा क्राइटेरिया ये रहता है, अगर जॉइंट पर आ रही है एक्सरसाइज मेरे को जॉइंट पर ज़्यादा फील हो रहा है, मसल पर फील नहीं हो रहा तो मैं उसको नहीं करता, मतलब मेरे लिए नहीं है वो एक्सरसाइज। स्क्वाट के साथ मेरे यही सीन है कि जब भी मैं स्क्वाट करता हूँ ना तो मेरा लेफ्ट वाले नी पर बहुत ज़्यादा फील होता है, मेरे को लोअर बैक पे फील होता है पर क्वाड्स पे नहीं आता, इसलिए मैं स्क्वाट नहीं करता। ये क्राइटेरिया रहता है मेरा एक्सरसाइज सिलेक्शन का। आप भी अगर कोई बोले ना कि ये एक्सरसाइज अच्छी है वो एक्सरसाइज अच्छी है तो उससे पहले अपने ऊपर ट्राई करके देखा करो, अगर आपको मसल पर फील आ रहा है तब वो अपने शेड्यूल में ऐड करो, वरना मत करा करो। सेकेंड सेट है मेरा अपर राइट रोज का, 5-5 किलो मैंने दोनों तरफ बढ़ा लिया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, 10 किलो 15-15 हो गया, देखते हैं कितने आएंगे, पिछली बार तो 25 आ गए। इसमें मेरे हिसाब से 12 से 15 के बीच में आ जाने चाहिए। जैसे बोला था 12-15 के बीच में आएंगे, क्योंकि मैं भाई जानता हूँ अपने आप को कब मैं फेलियर हिट कर दूंगा कितने वेट से। 2 सेट हो गए, 1 सेट और करता हूँ फिर ख़त्म करते हैं वर्कआउट, शोल्डर में इतना ही करूँगा, रियर डेल्ट में ट्रेन नहीं कर रहा क्योंकि कल ही मैंने बैक मारी और मेरे रियर डेल्ट ऑलरेडी सो रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहा। डिसेंट पंप एक्वायर्ड, या पता नहीं अच्छा है डिसेंट है पता नहीं लग रहा। एक तो ना बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, इतनी गुजिया खा ली ना भाई, एक तो मैं खा तो लेता हूँ उसके बाद रिग्रेट होता है, उस टाइम तो चल कोई नहीं कार्डियो करूँगा फिर काम खराब हो जाता है। भाई हाँ बहुत सॉफ्ट लग रहा हूँ यार, अय हाय कितना भद्दा लग रहा हूँ क्या कर लिया एक ओ ये वाला पोज ना भाई, इसमें तो कभी बुरा नहीं लगता मैं अपने आप को। ये वाला सेक्शन भद्दा लग रहा है, बाकी तो ठीक है, ये वाला तो है ही भद्दा भाई। वैसे तो मेरे को आज आर्म्स भी ट्रेन करने थे, पर जिस दिन वीडियो बनाता ना उस दिन मेरे से ज़्यादा नहीं करा जाता, इसलिए मैंने कहा शोल्डर करो और घर निकलो। आ,
कौन सा तरीका है? और लेटरल रेजिस्ट दिमाग काम नहीं करता जब एक्सरसाइज कर रहा था ना, और लेटरल रेजिस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है और लेटरल रेजिस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तभी काम करेगी जब आप भाई